तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टर मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी विकी कौशल स्टार फिल्म सैम बहादुर के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। ये फिल्म दोस्तों एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है, जिसमें कि दोस्तों हमें विकी कौशल इंडियाज फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के किरदार में नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस फिल्म के अभी तक अर्ली रिव्यूज जितने भी निकल कर सामने आए हैं, उन सभी रिव्यूज में फिल्म की जमकर तारीफें की जा रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कहा जा रहा है कि विकी कौशल इस फिल्म के लिए कई सारे अवार्ड जीत सकते हैं। इस फिल्म में हमें विकी कौशल के अलावा सान्या मल्होत्रा, फातिमा सना शेख, नीरज कबीर, गोविंद नामदेव, मोहम्मद जीशान अयूब और नई ओशीदा ऐसे कई सारे कलाकार देखने को मिल रहे हैं। और इस फिल्म में दोस्तों, सभी की परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। इस फिल्म को लगभग 55 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया है और इस फिल्म को दोस्तों आज बॉक्स ऑफिस पे क्लैश का सामना करना पड़ रहा है रणबीर कपूर स्टार फिल्म एनिमल के साथ। हालांकि क्लैश के बावजूद भी विकी कौशल स्टार फिल्म सैम बहादुर को ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है और ये फिल्म दोस्तों आज अपने पहले दिन एक अच्छा खासा कलेक्शन हासिल करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, जिस तरीके के फिल्म के रिव्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म के आने वाले दिनों में, यानी कि सैटरडे और संडे के कलेक्शंस में एक बड़ा जंप हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल फिल्म के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें तो आज दोस्तों डे वन पे फिल्म की मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी लगभग 30% की देखने को मिल रही है और ये फिल्म दोस्तों आज अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पे लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि फिल्म का जो डे वन का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो 10 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। और इसी के साथ एक अच्छी शुरुआत फिल्म सैम बहादुर को इंडियन बॉक्स ऑफिस पे मिल चुकी है। तो दोस्तों, फिल्म सैम बहादुर को लेकर आपका क्या है कहना? साथ ही आप ये फिल्म देखने जाएंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म सैम बहादुर के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।